अचानक सर में दर्द शुरू हो जाती है। सर की दर्द को खत्म करने के लिए एक घरेलू टोटका आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इस घरेलू टोटके के इस्तेमाल से 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की करम से आपके सर की दर्द ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगी। ये इतना बेहतरीन आजमूदा घरेलू टोटका है जो आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, गर्मियों का जो मौसम है वो शुरू होने जा रहा है, तो गर्मियों के मौसम में अचानक लोगों के सर में जो है दर्द होना शुरू हो जाती है। गर्मी की वजह से धूप में निकलते हैं, किसी न किसी वजह से अचानक उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस मेरे बताए हुए घरेलू टोटके को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की करम से आपको पैनाडोल जैसी मुख्तलिफ किस्म की जो सर दर्द की गोलियां होती हैं वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बेहतरीन घरेलू टोटका है, इसके ऊपर आपके पैसे भी खर्च नहीं होने हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आपने जो है इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना है। इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो आपके घर के किचन में ही मौजूद है। जी हाँ, घर के आपके किचन में ही वो चीज़ मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल करके 5 मिनट के अंदर अंदर जितना भी शदीद दर्द हो चुटकियों में गायब होता हुआ आपको नज़र आएगा, और ऐसे आपका सर हो जाएगा कि जैसे इससे पहले थोड़ी देर पहले आपके सर में दर्द थी ही नहीं। जितना भी शदीद दर्द हो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपके सर में दर्द थी या नहीं थी। जितना बेहतरीन आजमूदा घरेलू टोटका है कि मैंने पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो जो है बनाकर अपलोड की थी, और ये घरेलू टोटका आप सबके साथ शेयर किया था, और माशाल्लाह जिन्होंने भी इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल किया और ढेर सारी दुआएं दी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अचानक जो सर में दर्द शुरू हो जाती है इसके लिए कोई घरेलू टोटका आप हमारे साथ शेयर करें। तो वैसे तो आपके हम सारे घरेलू टोटके बताए हुए इस्तेमाल करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक की करम से उनसे जो है हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन सर के दर्द के लिए कोई घरेलू टोटका आप हमारे साथ शेयर करें। और ये जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे न्यू व्यूवर्स के आ रहे हैं जिन्होंने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है। तो ये आज से दोबारा, मतलब इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करने का मेन मकसद ये है कि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, सही हो गया, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि उन्होंने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है इस वीडियो को वॉच करके और इस मेरे बताए हुए घरेलू टोटके को अपने दिमाग में जो है नक्श कर ले, ताकि कभी भी अल्लाह ना करे, वैसे तो अल्लाह पाक सबको जो है अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सब मेरे बहन भाई जितने भी हैं सेहतमंद रहें और अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश रहें। और अगर फिर भी कभी, देखो बीमारियाँ एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कभी फिर भी मतलब बीमारी आ जाती है, ये सर दर्द हो जाता है आपको, तो आप मेरे इस बताए हुए घरेलू टोटके को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो अगर आपके अचानक कभी भी सर में दर्द शुरू हो जाए, तो आपको लगता है कि आपके पास पैनाडोल गोलियां हैं, कुछ लोगों को पैनाडोल गोली खाने की आदत होती है, तो कोशिश कीजिएगा पैनाडोल गोली आप नहीं खाइएगा। सही हो गया, और या कोई और आप सर दर्द की दवाइयां अगर आप खाते हैं तो वो भी नहीं खाइएगा। सही हो गया, तो आपने करना क्या है कि कभी भी आपके सर में दर्द हो तो आपके पास एक गिलास ठंडे पानी का होना चाहिए, नॉर्मल ठंडे पानी का, और साथ ही एक चुटकी जो है आपके पास नमक होना चाहिए, नमक। सही, एक चुटकी आपके पास नमक हो, आपने जो है एक चुटकी नमक जो है अपनी ज़बान के ऊपर रखना है और इसको चूस चूस के आपने ख़त्म करना है। सही होगी, इसको चूस चूस के ख़त्म करना है। जब नमक आप चूस चूस के ख़त्म कर ले, उसके बाद आपने जो है एक गिलास ऊपर से वो जो पानी का नॉर्मल ठंडे का वो आपने घूंट भर भर के पी लेना है, और 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर जो आपका सर का दर्द है ये माशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान घरेलू टोटका है जो हम मतलब बचपन से, सालों से, सदियों से, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो भी इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, कभी हमारे भी सर में दर्द होता था वो फिर हमें भी इस्तेमाल करवा देते थे। लेकिन हाँ, इस मेरे बताए हुए घरेलू टोटके को वो लोग हरगिज इस्तेमाल न करें जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा उस दौरान अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ये बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो इस घरेलू टोटके को हरगिज इस्तेमाल ना करें। बाकी नॉर्मली अगर किसी के सर में दर्द होती है तो वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारी समझ के शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, आप हमारे फेसबुक पेज पे न्यू व्यूवर्स हैं, तो जल्दी से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर कर लें, क्योंकि एक और मज़े की बात है, शायद आपको पता हो या ना हो, मैं डेली जो है लाइव भी आती हूँ शाम के टाइम 6:30, 7:30, 8 बजे तक जो है, एक टाइम फिक्स नहीं है
लेकिन मैं लाइव आती हूँ, लाइव आकर जो है आप सबके जो भी सवाल होते हैं उन सवालों के ऊपर मैं बात करती होती हूँ, जितने भी मतलब हेल्थ रिलेटेड आप लोगों के सवाल होते हैं और मतलब कुछ घरेलू टोटके आप पूछना चाह रहे होते हैं वो भी आपको लाइव बैठ के मैं बता देती होती हूँ। तो अगर आप मेरी हर वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरी लाइव वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं, वहाँ कोई सवाल पर्सनली करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को लाजमन फॉलो कर लें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल भी लाजमन जाके सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है जिस नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इकरा असद ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।